तीन लड़कियां मैं अकेला लड़का, ये फंस गया। वरना बिलाल को प्यार हो जाएगा। मेरा मुझे तीन बार रोज चला दिया, अब चौथी बार का पता नहीं। बिलोंता प्यारा व्यू आ रहा है, खतरनाक सा व्यू आ रहा है। एक्चुअली आज प्रधान जी एंट्री कर रहे हैं ना। पहले हम आए थे लास्ट वाली यहीं पे, लोग हम लोग जाएंगे फाइनल लोकेशन पे, ठीक है। देखो आज कहाँ कहाँ गाड़ी चला रखी है मैंने, राइट में कभी ऐसी जगह खतरनाक ड्राइव नहीं करी। अरे जरूर भाई, झरने के नीचे आप लोग बताना, क्योंकि बड़ा खतरनाक झरना है भाई। ये देखो पानी की स्पीड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग हम लोग ना सुबह सुबह अपनी थार से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी चीज आज हम लोग ना सुबह सुबह घूमने आ गए, लेकिन व्लॉग हम लोगों ने कराया भाई पहाड़ों के बीच से स्टार्ट, क्योंकि व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था। अचानक से मेरा प्लान बन गया कि व्लॉग शूट करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो इन लोगों को मैं दिखा नहीं रखता, क्योंकि यार इनकी शिकल अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस लेना, सीरियस नहीं लेना, ये मजाक कर रहा हूँ। मेरे साथ एक दोस्त लोग ना सुबह सुबह पहाड़ों में थोड़ा सा उल्टा सीधा चल लिया, क्योंकि हम लोग जा रहे थे फिलहाल सेंस धारा जाते जाते ना रास्ते पे उल्टे पे चले गए हैं। अभी देख लेना पहले मैप भी, कभी तुम मेरे ब्लॉग के चक्कर में रह जाओ। हाँ तुम बोल सकती हो भाई, तुम तो बोल सकते हो, ना भी देखो तुम बोल सकते हो। तो भाई जो एक मेरा एक दोस्त है ना, वो मैप चला रहे, तो उन्होंने मैप मेरा मुझे तीन बार रोज चला दिया, अब चौथी बार का पता नहीं। नहीं मैंने तो चलाया, मैं मेरे फोन में तो आई ना सर्चिंग में, इधर जाने कम से है, लेकिन पापा की परी मेरे सामने मत आना यार, वरना बिलाल को प्यार हो जाएगा। तेरा क्या बोला तूने? वरना बिलाल को प्यार हो जाएगा। प्यार नहीं होता मुझे किसी से भी, मुझे प्यार नहीं होता सच में, ये बात की तो प्रॉब्लम है। गाइस फिलहाल ना मेरा कैमरामैन कुछ अलग ही तरीके से शूट कर रहा है आज का, और मुंह पे उसने टेप लगाई हुई है इस टाइम। कैमरामैन नहीं कोई और है। हां ये दोस्त है मेरा भाई, ट्रैफिक में ब्लॉग शूट करना इम्पॉसिबल। पिछले ब्लॉग में ना भाई मैंने एक बात बोली थी कि मतलब अगर एक ब्लॉग पे 20 कमेंट कर दी ना तुमने एक ही चीज़ के लिए कि ब्लॉग डालना है कंटिन्यू, तो तुम लोगों ने इस पर 25 कर दिया, तो मुझे ब्लॉग डालना पड़ेगा कंटिन्यू। लेफ्ट लेना यहीं से, अरे अरे ना भाई यार बताओ तुम, नहीं बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ हो अभी बेवकूफ है। थार में बैठने का भी अलग ही मजा है, हैंकर अलग ही दिखता है दूर से, मैं तो उनसे बैठा हूँ ना जैसे छोटी सी लग रही है कार, जैसे स्विफ्ट चला दो तो मुझे ऐसे लगी बिल्कुल बच्ची सी इसके सामने, और वैसे भी मैं इतने हाइट पे बैठा हूँ ना, ये देखो हैंकर छोटी सी दिख रही है सामने। चीज़ बताओ देख, थार का रुतबा कितना, अगर कोई गाड़ी आ रही ना सामने से तो वो बंदा खुद ही पर ले अपनी साड़ी कर लेगा। थार का नीचे से बोनेट बहुत भारी है। तेरा क्या बोला तूने? पीछे से बोनेट बहुत भारी है, आगे से बंपर भी अगर हल्का सा लगे ना उसकी पूरी फाड़ देगा, वो बंपर ही टूटेगा नीचे से, हमारे नीचे जाना पड़ेगा भाई। भाई विंटरलैंड चलेंगे बिलाल को। आज की इस व्लॉग को पहले लाइक कर दो, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, बिल्कुल मत भूलना। क्या लैंड शाम के टाइम, विंटरलैंड गई नहीं होंगी उधर ही, तो एमए की पॉइंट से थोड़ा ऊपर जाके विंटरलैंड एक होटल है विंटरलैंड पे, खतरनाक वाली लोग सुनाते हैं रात। और उसे क्या हो बिलाल भाई? जी भाई इसलिए आप भाई कैमरामैन एक दो पर्सनल बात करने के। तो गाइस ये व्यू चेक करो भैया, भयंकर लग गई थी तेरी गाड़ी, हल्की थी बची भयंकर, बहुत मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, 50 रुपए यहाँ 30 रुपए का उठता है, पर बेस्ट मिलेगा भाई अब देखे तू। हाँ तो तुम मत खाना, मैं तो खाऊंगा भाई, ये तो रोस्ट मार। हमारे चाचा थे नहीं? ये क्या हो रहा है? है घुला रही है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, खतरनाक सा व्यू आ रहा है। आराम से चला रहा हूँ, सिर्फ इसी करिए कि आप लोगों को अच्छा सा व्यू दिखे, और मैं शीशा डाउन कर लेता हूँ हल्का सा, शीशा डाउन के दिखेगा, आप देखो मैं दिखाऊँ, ये देखो मेरा कैमरामैन अच्छा है, शायद थोड़ा बहुत सारी चीजें रोक रोक के ले रहा हूँ, चेक करो साथ में मुझे भी देख लेना। फाइनली अफ
आ गई वो गजरिया रोस्ट करने का लड़की ये चेक करो भाई पहाड़ों का व्यू सुबह सुबह मॉर्निंग व्यू आज कितना खाली पड़ा हुआ है और उस दिन इतनी भीड़ है भाई ऐसी होता है एक्चुअली आज प्रधान जी एंट्री कर रहे हैं ना तो लोगों ने पहली रास्ता खाली कर दिया आप देख सकते हैं गाइस स्वागत नहीं करोगे हमारा तुम लोग सोच रहे होगे हम सांस धारा बार बार क्यों आता है लेकिन हम सांस धारा आते बार बार इसलिए है पहले हम आए थे लास्ट वाली यहीं पे लोकेशन जो यहाँ पे एंड है आज हम लोग जाएंगे हाइडन लोकेशन पे ठीक है देखो थार कहाँ चढ़ रही है ऊपर ये देखो ऊपर पहाड़ों के आगे बहुत ज्यादा हाइट है ऊपर देखो पहाड़ों का लेवल भी देखो ये देखो ये चेक करो गाइस व्यू चेक करो कहना क्या चाहते हो ये चेक करो भाई और भी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं हम लोग हाइडन पे आज विशु की पसंद है विशु को पता था कि कोई एक लोकेशन है खास अब मुझे नहीं पता है मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन इस लड़की को पता है पीछे पीछे बहुत स्मार्ट लड़के बैठे हैं पीछे तो तुम्हारी नजर लग जाएगी मैं नहीं दिखाना चाह रहा इसलिए कैमरा खराब हो रहा है नहीं कैमरा नहीं पता मैं भाग जाएगा मेरे सब सेवर तब देख के छोटे नहीं होगा आज के बाद नहीं दिखा हाइडन प्लेस तो भाई ये चेक करो हाइडन लोकेशन पे पहुंचने वाले कितनी दूर बचा विश्व यहाँ से यार यहाँ से 10 मिनट का रास्ता भाई 10 मिनट करके ना मुझे कम से कम 10 किलोमीटर तो चलवा दिया बार बार 1 मिनट का रास्ता 2 मिनट का लास्ट में आके 10 मिनट का सीधा 1-2-10 गाइस ड्राइविंग ये कर रहा है और थक मैं गई हूँ इधर बैठे बैठे अबे वाह क्या गिरा फोन चल फोन तो कोई कभी बाहर नहीं करना चाहिए बस ये चेक करो गाइस यहाँ पे ना अभी वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है देखो खंडर टूट रहे हैं रोड टूट के रोड बन रहा है खतरनाक वाला रास्ता लेकिन आप लोग आओगे ना एक बार देख के ना यार देखो ज्यादा ही खतरनाक सा हो गया रास्ता दोनों साइड से उन्होंने गाड़ी देखो कहाँ चढ़ा रखी है पहाड़ों में पत्थर टूट टूट के रोड पा रखे हैं मैं आप लोगों को बार बार क्यों दिखा रहा हूँ आप लोग भी सोच रहे होंगे क्यों दिखा रहे हैं यहाँ का जो रास्ता ना इतना खतरनाक वाला है भाई यार यार। गाड़ी सिर्फ दूसरे गियर में चल रही है और चल रही है 15 की स्पीड से 15 से ओवर नहीं चल रही है बिल्कुल भी नहीं चला सकते क्योंकि अभी तो थोड़ा सही भी आ गया रास्ते पीछे लैंड स्लाइड हो रखी थी इतनी खतरनाक वाली हो गई चल रही थी खाई से एक साइड में गाड़ी का टायर ये मेरा कैमरामैन है ये भाई देखो आज कहाँ कहाँ गाड़ी चला रखी मैंने राइट में कभी ऐसी जगह खतरनाक ड्राइव नहीं करी जितनी खतरनाक जगह आज मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेकिन वो लोग भी शूट करो बाद में इधर ना रिक्स देखो कितना खतरनाक वाला है ना तो इधर वो क्या बोलते डिवाइडर नहीं तो इधर डिवाइडर लगे हुए और खई एकदम से भयंकर अगर हल्की सी भी आँख नहीं छुई ना लाइफ के लिए आगे बंद हो जाएगी लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो मतलब इतना बुरा लग रहा है विशु को मुझे उतार दो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी मेरे से यहाँ लगाऊ गाड़ी साइड में क्यों इधर बोला उन्होंने उधर बोला उन्होंने एक यहाँ पे भी देखने नीचे है ना जो ये नीचे होगा देखने दो नीचे थोड़ा आगे चलना ठीक है उतार ला नहीं है कोई आगे कोई बोल रहा हूँ फिर आगे कोई चल लो आगे साइंस धारा तो है साइंस धारा से पहले नहीं आती है आपको ना नीचे जाते समय ऐसी रोड दिखेगी छोटे भैया बच्चे से रास्ता पूछना पड़ रहा है पूछना पड़ता है भाई जब किसी चीज का हमें ना पता हो स्विमिंग पूल तो है स्विमिंग पूल तो है लेकिन वो स्टेप से जैसे उस साइंस धारा में स्टेप से ये तो ऐसे लगवाया अभी सही लग रही है कौन सी क्लास में पढ़ते हो टेंथ में अरे जरूर तो भाई शाह मेरी गाड़ी लगा दी फिलहाल हम लोग जाएंगे भाई हाइडन प्लेस से उधर देखो इतनी प्यारी सी लोकेशन है यहाँ ना भाई साइंस धारा वो तो पीछे चला गया लेकिन यहाँ का जो व्यू है और जो लोकेशन है वो अलग ही है तो यहाँ पे हम लोग पहले खाने पीने का थोड़ा कुछ इधर देखो तो भाई यहाँ से हम लोग ये ले रहे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक ले रहे नीचे कुछ नहीं मिला ले लो उतार लो भाई प्लीज उतार लो चलो गाइस फाइनली ले लिया भैया से सामान चलते हैं हाइडन लोकेशन पे और आज के इस व्लॉग में फुल मजा आएगा फुल मस्ती चलो मेरे फ्रेंड लोग इन्हें दिखाता नहीं मगर ये दिखाता ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक प्यारी सी लोकेशन पे लोकेशन में आप लोगों को दिखा देता हूँ ये देखो यहाँ पे पहले ये स्टेप चेक करो ओहो जंगल का व्यू चेक करो गाइस सबसे पहले कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है ना और ऊपर पहाड़ों का ये वाव और ये देखो भाई इधर ना झरने से बन रखे जो साइंस धारा में नहीं है
सेम्बो वाले झरने यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, चलता हूँ उसी के पास लेके जो यहाँ का सबसे बेहतर लग रहा मुझे। ओह माय गॉड, लड़के कितना डर गई मेरे से। ये चेक करो भाई, ये देखो कितना प्यारा झंडा गिर रहा है ना, आ रहा है ना मजा। वाह जी वाह, झरना तो ये लगा मुझे यहाँ पूरे में आगे। पानी की आवाज़ चेक करो, पानी देखो भाई कितना सुंदर था, पानी बिल्कुल साफ सुथरा वाइट वाइट दिख रहा पूरा, दिख रहा ना, ये देखो कितना प्यारा पानी दिख रहा ना, बिल्कुल वाइट पानी। टैंक लोगों ने गंदगी ही फैला रखी है, ये चेक करो आज उधर देखो पानी कितना प्यारा खूबसूरत सा, देखो कितना प्यारा सा व्यू दिख रहा है। और थार कितनी दूर खड़ी है, थार दिखाओ तुम्हें, ये देखो थार कहाँ खड़ी है, वो खड़ी है मेरी थार पीछे। हम ना सिर्फ चार लोग हैं भाई, तो यहाँ पे मस्ती करेंगे, दिखाएंगे तुम लोगों को की करना है। ये क्या तुम यहाँ पे आ सकते हो, सहज धार से जो ऊपर रोड है ना उससे लगभग ना आप लोगों को 3 किलोमीटर आगे आना है, और 3 किलोमीटर आगे आने के बाद नीचे उतरना है, थोड़ा सा नीचे उतर के फिर जैसे आप लोग लगभग 500 मीटर आगे आओगे ना उसके बाद आप लोगों को ना एक शॉप दिखेगी रोड पे ही, एक गली से नीचे उतरिए नदी की साइड और एक सीधा जा रहा है, तो शॉप क्या है वो आप लोगों को नीचे उतरना है वहाँ के। आप लोगों को ये खूबसूरत सा नज़ारा दिख जाएगा। और भाई मुझे ना थकावट होगी यार, तुम्हारी लास्ट तमन्ना होगी कुछ वो बता दो। हाँ तो गाइस मैं जा रहा हूँ नहाने, रेडी हो जाओ। गाइस फुल मजा आया भाई झरने के नीचे ना, अंदर एक बार भाई भाई झरने के नीचे आप लोग बताना, क्योंकि बड़ा खतरनाक झरना है भाई। ये देखो पानी की स्पीड बहुत ही खतरनाक वाली है, तो देख के रिश्त बिल्कुल नहीं लेना। तो गाइस फाइनली हम लोग नहाए भाई, फुल मजा है। और ये देखो इधर भयंकर एक झरना का हो रहा है, ये देखो कितना मस्त वाला इधर दिख रहा ना, उसमें भी नहाएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग नहीं, बहुत ज़्यादा मजा फुल मजा आया, सही दिख रहा ना, कैमरा मैन फोकस कर हाथ दिखा रहे, बाकी फेस नहीं दिखा सकता मैं, हाथ हाथ ये वाले दो फिर जाते। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई अब पहुंचा घर भाई, घर पहुंचने के बाद ना नहा धो के रेडी शेडी वो अब चेंज वेंज करो दोबारा से आके, क्योंकि यार उधर से पानी में आके बाद ना गर्मी लग रही थी, तो मैंने गाड़ी भी भाई की खड़ी कर दी, एक दोस्त की गाड़ी थी वो खड़ी कर दी, तो अपने वाली शिफ्ट में आ गए हम लोग। अभी गाइस मैं एक दोस्त को छोड़ने गया था यार, जो हमारे साथ में हमारी दोस्ती उनको ड्रॉप करने गया था, उनको ड्रॉप करके अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा पीछे हूँ फ्लैट से लगभग 2-3 किलोमीटर। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ फ्लैट पे, और ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते गाइस, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आता लाइक कर देना, एंड और अभी हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ट्रैफिक में मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। तुम लोग चाहते हो किसी के साथ कोई भी प्रैंक या मुझे प्रैंक करना हो किसी के साथ, तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, कोई नया कंटेंट आप लोगों के दिल दिमाग में चल रहा है तो मुझे ज़रूर से बताना यार, और ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों की जो जो चॉइस है उस पर हम कंटेंट पे काम करें, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना।